Yeah. you हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर रिसेंट एक वीडियो अपलोड की थी काना जी के स्वेटर की फ्रेंड जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है बिल्कुल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है फ्रेंड उसकी मेरी जैसे सब्सक्राइबर है उन्होंने रिक्वेस्ट करी है मेरे को बोला है कि तीन चार पांच नंबर के काना जी की ड्रेस ये बताएं स्वेटर कैसे बनाते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तीन चार और पांच नंबर काना जी के लिए हम स्वेटर कैसे बना सकते हैं देखिए फ्रेंड मैंने ये फोर्टीन फंदे डाले हैं फोर्टीन मतलब चौदह हिंदी में अगर बोलूं और दो इसकी मैंने उल्टी उल्टी सिलाई निकाल ली है अब हम इसकी थर्ड सिलाई पे हैं इसको मैं देखिए सीधा सीधा बुन लूंगी फ्रेंड पीछे की तरफ देखिए ऐसे सीधा सीधा मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी रोंग साइड वाली सिलाई पे आ गए हम तीसरी देखिए इसको हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे और फ्रेंड इसको मैं डेढ़ इंच फ्रेंड इसको डेढ़ इंच लंबाई तक मैं इसको बुन के आपको दिखाती हूं देखिए मैंने वन एंड हाफ फ्रेंड इंच का इसको बुन लिया है वन एंड हाफ इंच का अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स देखिए ये स्टार्टिंग के मैं दो कुंडे लूंगी दो फंदे लूंगी और इनका मैं एक बना दूंगी ये मैं इसके कंधे घटा रही हूँ फ्रेंड और फिर से इसको अंदर डालेंगे और देखिए एक कुंडा और मैं यहां से घटा दूंगी इसका और ये टोटल मैंने दो फंदे घटा दिए हैं और फिर मैं इसको ऐसे बुन लूंगी देखिए रोंग साइड वाली सिलाई में भी हम ऐसे ही लेंगे फ्रंट वाले दो फंदे उठाएंगे देखिए इसको घटा देंगे एक हो जाएगा वापस डालेंगे फिर से दो फंदे लूंगी देखिए और यहां पे भी हमने टोटल दो फंदे घटा दिए हैं और फिर से मैं इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लूंगी देखिए नेक्स्ट सिलाई से फिर फ्रेंट में एक एक देखिए ऐसे दो फंदे उठाऊंगी और इनका एक बना दूंगी देखिए ये टोटल मैंने तीन फंदे घटा दिए हैं टोटल ठीक है इस सिलाई से और इसको कंप्लीट कर लेंगे और रोंग साइड से मैं फिर से एक फंदा घटाके इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ से देखिए तीन तीन फंदे घटाके हमारा जो कंधे होते हैं उसका पार्ट खत्म होता है अब हमारे पास देखिए फ्रेंड आठ फंदे बचे हैं जिनमें से चार फंदों को मैं पहले देखिए तीन दो तीन और ये चार चार फंदों को मैंने भुन लिया है देखिए इधर वाले चार फंदों को ऐसे छोड़ देंगे और सिलाई को घुमाते हुए देखिए इस पे हम अपना गला बनना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड इन चार फंदों को हम बुनते रहेंगे इस वा, इधर वाले चार फंदे को हम बाद में बुनेंगे पहले हम इधर वाले चार फंदों को बुनेंगे फिर से सिलाई स्टार्ट करेंगे ये देखिए एक इंच का हमारा कंधा हो गया है फ्रेंड इस कटिंग की सीध में देखिए अभी हम इन फंदों को दो का एक कर करके ऐसे सारे फंदे घटा देंगे देखिए वापस इसमें डाल लेंगे देखिए हमारा कंधा बनकर तैयार हो गया है अब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए ताकि सिलाई में चल जाए ये धागा हमारा देखिए ये वाला और ऐसे ही फ्रेंड में इसका ये वाला पार्ट भी भूल लूंगी देखिए हमारे कंधे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये मैंने इसकी सिलाई के लिए कंधों की सिलाई के लिए एक्स्ट्रा धागा छोड़ दिया है फ्रेंड और ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स मैंने बैक वाला पार्ट तैयार कर लिया है बिल्कुल देखिए डेढ़ इंच का करके मैंने इसके तीन फंदे इधर से तीन फंदे इधर से घटा लिए हैं और फिर मैंने इसको सीधा बुन लिया है अब फ्रेंड इसके कुंडे में ये सारे कुंडे घटा दूंगी देखिए इतना बुनने के बाद एक इंच ऊपर बुनने के बाद ये कुंडे में इसके घटा दूंगी देखिए हमारा बैक वाला पार्ट भी तैयार हो गया है अब हम इसको देखिए अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ ऐसे उल्टा मिलाते हुए फ्रेंड अब साथ के धागे के साथ हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे फ्रेंड और यहाँ पे जो हमने जोड़ लगा रखा है उसमें से ऐसे मैं अपनी सुई को निकाल लूंगी देखिए और फिर मैं इसकी चारों तरफ से सिलाई कर दूंगी फ्रेंड देखिए मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ से सिल दी है अब इसके कंधों वाला जो एक्स्ट्रा धागा मैंने छोड़ रखा है वो मैंने सुई में डाल लिया है और देखिए मैं इसके कंधों की सिलाई स्टार्ट करूंगी ए, इस कंधे को मैं इस तरफ सिलूंगी और इस कंधे को मैं इस तरफ सिलूंगी ताकि बीच में हमारे गले का स्पेस बना रहे सिलाई के बाद इसको सीधा कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड सीधा करके हमारा ये काना जी का ठाकुर जी का देखिए स्वेटर कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स और मैंने इस पे ये ऐसे दो मोती लगा दिए हैं आप इस पे कुछ और फ्लावर जो आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं फ्रेंड तो बताइए फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर और आपको किसी भी डिजाइन की कोई भी वीडियो चाहिए लड्डू गोपाल के लिए तो आप कॉमेंट्स लिखिए मैं उनको जरूर पूरा करूंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय